है कि बन गई। चल तो भी कढ़ाई ने बढ़ ले लेर चला। बोलो। तो यार गाइस फाइनली दोनों को ले लिया है अपन ने, ये इसकी थाली ये मेरी थाली, ठीक है, और ये छाछ भी है साथ में, छाछ पियेंगे साथ में। छाछ तो चाहिए चाहिए, अपन देसी लोग हैं तो ये छाछ तो अपने को चाहिए साथ में। छाछ पीने में मज़ा आ जाता है। आह मज़ा आ गया, मैं खा के बताता हूँ आपको टेस्ट कैसा है इसका। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि सब बढ़िया ही होंगे। तो यार गाइस आज हम आ गए खेतों में, तो इधर मशीन भी चल रही है, पाणत भी कर रहे हैं। तो यार गाइस बहुत ज़ोरदार भूख लग रही थी, तो जो सुबह सब्जी लाए थे वो सारी ख़त्म हो गई और रोटी रोटी बची है। तो मैं सोचा यार चलो कुछ ना कुछ खाया जाए खेत में, तो घर पर गया दुकान पर और मैगी ले कर आ गया। तो यार गाइस मैगी भी जो है वो ओरिजिनल नहीं मिली है, ये देखो कौन सा पूड़ा मिला है, नूडल्स है, मतलब टेम्परेरी है, गांव में तो डुप्लीकेट माल चलता है। तो ये लेके आ गया हूँ, तो इधर बना के खाएंगे। तो अभी शुरू हो चुका है काम, तो इधर चूल्हा उल्ला बना रहे, तो पूरा वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अभी अपन चूल्हा बनाएंगे इधर मिट्टी के अंदर ही, सबसे सस्ता काम होने वाला है क्योंकि लकड़ियाँ भी इधर मिल गई, वो सब काम इधर ही हो जाएगा, इधर ही बनाएंगे इधर ही खाएँगे। तो अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। ये देखो गाइज इधर ही दो ईंटें लगाई और चूल्हा तैयार हो चुका है अपना, ये देखो। तो इधर इसको थोड़ा खड्डे के अंदर किया है ताकि हवा हवा ज़्यादा नहीं आए, और ये अपने पास कढ़ाई है छोटी सी इधर अवेलेबल, और ये इधर पाणत कर रहे थे तो अभी लाइट चली गई है, वापस मशीन चला के आऊँगा मैं। और इधर रचका वचका भाई उड़ा है बकरिए के लिए, तो ये है अपना चूल्हा और इसमें अभी बना के अपन खाएँगे। ये पड़ा इधर अपना सामान, ये जो देख पा रहे होंगे आप, ये है दो मैगी के पाउच डुप्लीकेट, और इधर पड़ी है मिर्च टमाटर, टमाटर दिखा देता हूँ, ये आ गया अपना टमाटर गाइस। तो इधर ही मिल गए थे टमाटर मिर्ची, माचिस भी पड़ी है, और ये इधर खेतों में आए हुए हैं, क्या बना के खाएंगे। तो अब यार गाइस ये देखो, ये नई कढ़ाई है तो ये क्या अभी काली हो जाएगी, ये चूल्हा जलाएगा ना, इस चूल्हे के अंदर आपको पता आग ज़्यादा निकलती है, तो ये भी काली हो जाएगी, तो काली हो जाएगी तो फिर लपड़ा हो जाएगा, अपनी माता जी हेला कर सकती है अपने को इसलिए। तो इसके ये देखो कितना अच्छा जुगाड़ लगा रहे, अभी मुका ही काले को नहीं वहाँ सप्पा भी हल्की फुल्की जो साफ है जाए। हाँ हल्की फुल्की गंदी है जो तो साफ है जाए, पूरी काले जाए तो साफ ही बने। अच्छा अच्छा, तो इसलिए ये देखो गाइस गीली गीली मिट्टी लगा रहे इस कढ़ाई के ऊपर नहीं है, तो अभी इस चूल्हे के ऊपर जब इसको चढ़ाएंगे तो ये बिल्कुल भी काली नहीं होगी। इसका ये जुगाड़ है बहुत ही बढ़िया वाला, ये देखो मिट्टी लग गई है बहुत ही अच्छे तरीके से। ये देखो यार गाइस इसके अंदर मिट्टी लग के पूरा तैयार हो चुका है, और अभी अपने चूल्हे के अंदर जो लकड़ियाँ जा रही है, और चूल्हा कितना अच्छा बना है, दो ईंटें लगाई और चूल्हा तैयार है अपना। गाइस फाइनली अपना चूल्हा तो बढ़ चुका है, और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल के साथ जलाए क्योंकि हवा ज़्यादा चल रही है तो बार बार से बुझ रहा था, तो अभी तो ये बिल्कुल जल चुका है चूल्हा। तो अभी शुरुआत करते हैं अपनी, ये पड़ी है कढ़ाई इधर, इसके ऊपर रखते हैं और बना के खाते हैं। बढ़िया सा माल वो पड़ा है उधर, ये सारा मिलाएंगे इसमें, टमाटर वमाटर काट के एक रोटी मिला के मिर्च, और अच्छे से बना के खाएंगे। बाकी इधर खेतों में नई रेसिपी हाँ नई रेसिपी है खाने का, साथ में रोटी खाने का मज़ा आएगा। तो ये सारा सामान अपन डालने वाले इसके अंदर पड़ा है, और शुरुआत हो चुकी है, पानी वानी डाल रहे इसके अंदर अपनी छोटी सी कढ़ाई में। कती ग्लास गाली तीन ग्लास तो डाल दिए गाइज, और अब जो उधर वो वाला सामान इसमें डालेंगे काट के। बढ़िया सा पानी अपने पास पड़ा ही है, ये तो पड़ी है एक चुकलिया, और उधर पड़ी है गाइज ये बोतल में दिखा देता हूँ आपको पास से, ये देखो खेतों के अंदर ये वाला जुगाड़ काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होता है, ये वाला देख पा रहे होंगे आप किस तरीके से, इतना ठंडा पानी रहता है यार गाइज इसके अंदर, ये देखो फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा,
24 आवर्स बस इसमें पानी डालो और इस कपड़े को गीला कर दो। तो ये पड़ी है अपने पास में अभी इधर, तो प्यास लगेगी तो पी लेंगे। बाकी ये वाला काम शुरू हो चुका है और उधर मिर्च विर्च कट रही है। पानी में चेक करता हूँ यार गाइस की गर्म हो गया है क्या, थोड़ा थोड़ा ही हुआ है गाइस यार गर्म तो अभी। तो ये देखो गाइस टमाटर मिर्ची जो काटे थे वो डाल दिए इसके अंदर और फिर उसके अंदर मैगी वैगी डाल के रोटी वोटी डाल के बहुत ही जो नई वाली डिश बनेगी ये खाने में मज़ा आ जाएगा। बाकी खेतों के अंदर में चूल्हा जलाया है, ये देखो खेतों के अंदर है, उधर अपनी गुड़िया बेटी है सिया, ओ सिया 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 सिया, और इधर ही बना के खाएंगे। मसाला भी डाल दिया इसके अंदर मैगी वाला। तो गाइस फाइनली जो है सारा मसाला वसाला डाल दिया इसके अंदर आप देख पा रहे हो, और तीनों जने हैं एक बुढ़िया रानी है अपनी, और यहाँ पे बना के खाएंगे यार गाइस मज़ा आ जाएगा। आज तो भूख लग रही है बहुत ही ज़ोरदार वाली, ऐसा लग रहा है जैसे आज सोलो कैंपिंग हो गई है इधर तो बढ़िया सी। लोग तो जाके करते पहाड़ों में, हमारे तो इधर खेतों में रोज़ ही कैंपिंग हो जाती है यार गाइस। इधर ही खाओ बनाओ सब्जी वब्जियाँ सब मिल जाती है इधर, प्याज टमाटर मिर्च इधर ही खा लो बना के। तो अभी 5-10 मिनट और लगेंगे और अपना काम हो जाएगा, खाएंगे और छाछ वास सब इधर है, मज़ा आ जाएगा। बाकी यार गाइस ये देख के मेरे को और भी ज़्यादा भूख लगने लग गई है इधर का सारा नज़ारा देख के। तो गाइज यार 50% तो बन चुकी है ये, तो एक बार और ढक देते हैं। बाकी दिखने में इतनी शानदार लग रही है, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा यार गाइज। मैगी और रोटी सब मिक्स है, घरोट के खाएंगे इसको। तो यार गाइज ये देखो बन के तैयार हो चुका है अपना मामला, दिखने में बहुत ही शानदार लग रहा है। ये देखो किस तरीके से बनी है अपना मैगी प्लस रोटी, तो रोटी भी काम में आ गई यार गाइज और अपने मैगी भी आ गई। और अपन तो गांव के देसी लोग हैं तो मिक्स करके खाएंगे इसको, ग्रोट दिया सारा, मज़ा आ जाएगा बाकी खाने में यार गाइज। देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया है, तो अभी खाएंगे इसको। हैगी बन गई, चल तो भी कढ़ाई ने बढ़ ले लेर चला। तो यार गाइस बन चुकी है, उधर छाया के अंदर चलते हैं अपन, वहां बैठ के खाएंगे। बाकी अभी कढ़ाई उंधी हो जावे तो पूरा मामला ही गंभीर हो जावे अगर ये पड़ जावे कढ़ाई पर। तो ये इधर रख देता हूँ, सही जगह पर रखता हूँ, मिट्टी विट्टी ना हो ऐसी जगह पे। तो इधर रख देते हैं अपन सिया के पास में। खुशबू आ रही है यार गाइस बहुत ही भयंकर वाली खुशबू आ रही है इसके अंदर, अभी खाएंगे, भूख लग रही है इसको, जैसे ही मैं देख रहा हूँ ना वैसे ही भूख लग रही है। तो वो अपनी थालियाँ पड़ी ले के आता हूँ, थालियाँ धोके बढ़िया हाथ वाथ साफ करते, तो अच्छे से हाथ वाथ साफ कर लेते हैं अपन, फिर खाएंगे मामला।
का खर्चा। बोलो। तो यार गाइस फाइनली दोनों को ले लिया है अपन ने, ये इसकी थाली, ये मेरी थाली, ठीक है, और ये छाछ भी है साथ में, छाछ पियेंगे साथ में, छाछ तो चाहिए चाहिए, अपन देसी लोग हैं तो ये छाछ तो अपने को चाहिए साथ में, छाछ पीने में मज़ा आ जाता है। हाँ हाँ मज़ा आ गया, मैं खा के बताता हूँ आपको टेस्ट कैसा है इसका। मज़ा आ गया गाइस, खेत में खाने का मज़ा आ गया। बाकी ये थोड़ा क्या गर्म है इसलिए रुक रुक के खाना पड़ेगा वरना मुंडा बढ़ जाएगा अपना तो। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।